दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा था गोरी कौवे कालू कौवे को जंगल से लकड़ियां लाने का कहती है। कालू कौवे को कहीं से भी लकड़ियां नहीं मिलती। उसकी नज़र एक सूखे पेड़ पे जाती है। कालू कौवा जब उस पेड़ के पास जाता है तो वो जादुई पेड़ बोलने लगता है। दरअसल वो कोई आम पेड़ नहीं था, वो एक जादुई पेड़ था। जादुई पेड़ कालू कौवे को चीकू देता है। कालू कौवा वो चीकू लेकर गोरी कौवे के पास जाता है और गोरी कौवे को सारी बात बताता है। गोरी कौवे कालू कौवे से कहती है वो उस जादुई पेड़ से एक सुंदर सा घर मांगे। अगले दिन कालू कौवा उस जादुई पेड़ के पास जाता है और जादुई पेड़ से एक सुंदर सा घर मांगता है। जादुई पेड़ में से एक रोशनी निकलती है। फिर जादुई पेड़ कालू कौवे से कहता है कि उसके लिए एक सुंदर सा घर बन गया है। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। कालू कौवा अपना नया घर देखकर बहुत खुश था। कालू कौवा गोरी कौवे से ऐसे ही बातें कर रहा था, लेकिन गोरी कौवे कालू कौवे की बातों का जवाब नहीं दे रही थी। वो बहुत चुप चुप थी। गोरी कौवे को ऐसे खामोश देखकर कालू कौवा गोरी कौवे से कहता है, गोरी क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? इतना सारा सोना मिल गया, इतना अच्छा घर भी मिल गया, और अब तुम्हें क्या चाहिए? कालू, तुमने गलती कर दी। वो जादुई पेड़ हमें सोने का घर भी तो दे सकता था, मगर तुमने यही घर क्यों मांगा? अरे, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? मैं कल ही जाऊंगा उस पेड़ के पास और उससे सोने का घर मांगूंगा। कालू, सोने का घर और घर में रखी हुई चीजें भी सोने की होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तुम परेशान ना हो। अगले दिन हरियाली तोती गोरी कौवे के पास आती है। गोरी, तुमने इतना बड़ा घर कैसे बनवा लिया? क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? ऐसा ही समझ लो, ये तो एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। कल तक तो मेरा ये घर सोने का होगा और इस घर के अंदर रखी हुई हर चीज सोने की होगी। हरियाली तोती गोरी कौवे की बातें सुनकर हैरान थी। वो तो समझ नहीं रही थी गोरी कौवे ऐसा क्यों कह रही है। वो तो गोरी कौवे से उसके पुराने घर की बात करने आई थी, जिस पर वो अब नहीं रहते थे। गोरी, अब तो तुम्हारे पास नया घर आ गया है। वो सामने पेड़ पे जो तुम्हारा पुराना घर है, क्या मैं उसमें रह सकती हूँ? मेरा घर टूट गया है। ना जी ना, वो घर मैं क्यों दूँ तुम्हें? वो घर मैं तोड़ तो सकती हूँ, लेकिन तुम पंछियों को नहीं दूंगी। गोरी कौवे की बातें सुनकर हरियाली तोती उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हरियाली तोती को उदास देखकर टोनी चिड़िया हरियाली तोती से पूछती है, क्या हुआ हरियाली तोती, तुम इतनी उदास क्यों हो? टोनी, गोरी के पास रातों रात नया और खूबसूरत घर आ गया, और तो और वो कह रही थी रात को उसका घर सोने का हो जाएगा और उसके घर में रखी हुई हर चीज सोने की होगी। हरियाली, कोई तो बात है, इस गोरी कौवे के पास इतना सब कुछ कहाँ से आया? हमें ये सब जानना होगा। दूसरे दिन कालू कौवे जब उस पेड़ के पास जाता है तो हरियाली तोती और टोनी चिड़िया उसका पीछा करती हैं। वो दोनों एक पेड़ के पास ही छुप जाती हैं। कालू कौवे फिर उस जादुई पेड़ के पास जाता है। जादुई पेड़ कालू कौवे को देखकर उससे कहता है, कौवे तुम फिर आ गए, मैंने तुम्हें ढेर सारा सोना दिया, अच्छा घर दिया, और अब तुम्हें क्या चाहिए? फिर कालू कौवा जादुई पेड़ से कहता है, पेड़ जी, मैंने आपसे सोने का घर मांगा था, आपने तो मुझे आम सा घर दे दिया। अगर मैं तुम्हें सोने का घर बना कर दूं तो उसके बाद तो तुम मेरे पास नहीं आओगे। नहीं नहीं पेड़ जी, सोने के घर के साथ साथ घर के अंदर रखा हुआ सामान भी सोने का बना दो, फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। वो एक जादुई पेड़ था, वो सब कुछ कर सकता था। फिर पेड़ में से एक रोशनी निकलती है। कुछ देर बाद जादुई पेड़ कालू कौवे से कहता है,
जाओ कालू, अब तुम्हारा घर सोने का है और उसके अंदर रखी हुई हर चीज सोने की है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश था। वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कौवे के जाते ही टोनी चिड़िया और हरियाली तोती उस जादुई पेड़ के पास आती हैं। टोनी चिड़िया उस जादुई पेड़ से कहती है, पेड़ जी, वो कौवा बहुत लालची है, वो आपका ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा। उसकी बीवी उससे रोज रोज नई नई फरमाइशें करेगी और वो आपके पास आता रहेगा। पेड़ जी, लेकिन हमारे पास सच में कोई घर नहीं है। हमने गोरी कवि से उसका पुराना घर मांगा था, लेकिन उसने हमें वो घर देने से मना कर दिया। पेड़ जी, हमें एक आम सा लकड़ी का घर दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पेड़ जी, हमें घर छोटा भी मिल जाए तो हम रह लेंगे। हमें ऐसा घर चाहिए जिसमें हम ठंड का मौसम आराम से गुजार लें। पंछियों, लालच बुरी बला है। जो लालच करता है वो सब कुछ खो देता है। मैंने तुम दोनों के लिए घर बना दिया है, अब तुम जाओ। टोनी चिड़िया और हरियाली तोती ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। कौवा भी बहुत खुश था। वो बहुत तेज अपने घर की तरफ जा रहा था। वो सोने के घर में जाता है तो चौंक जाता है। गोरी कवि उससे सोने की मूर्ति बनी दिखाई देती है। गो गो गोरी, ये क्या हुआ, तुम सोने की कैसे बन गई? गोरी, कुछ बोलो। गोरी कवि कालू कवि की बातें सुन तो रही थी मगर बोल नहीं रही थी। ये देखकर कालू कौवा रोने लगता है। हाय, मेरी गोरी को क्या हो गया? गोरी, मैं भूल गया था कि तुम भी घर के अंदर हो। मैंने पेड़ से कहा था कि वो घर के साथ साथ घर के अंदर रखा हुआ सब सामान सोने का बना दे। अब मैं क्या करूँगा इस सोने का? मेरी गोरी तो कालू कौवा ऐसे ही रो रहा था कि तभी गोरी कौवे कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैं सुन सकती हूँ, मैं देख भी सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ, मगर मैं अपनी जगह से नहीं हिल सकती। कालू, आप फिर उस जादुई पेड़ के पास जाओ और कुछ भी करके मुझे पहले जैसा करवा दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सोना ना पैसा, मुझे बस पहले जैसा बनना है। फिर कालू कौवा जल्दी से उस जादुई पेड़ के पास जाता है। कालू कौवे को अपने पास देखकर पेड़ कालू कौवे से कहता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम किसी हाल खुश नहीं रह सकते। कौवे, अब तुम्हें क्या चाहिए? पेड़ जी, मेरी गोरी सोने की मूर्ति बन गई है, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। आप उसे पहले जैसा कर दो, मुझे मेरी असली काली वाली गोरी चाहिए। मगर तुम्हें तो सोने का घर चाहिए था ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी पुरानी वाली गोरी चाहिए। अब तो एक ही शर्त पे मैं तुम्हारी असली वाली गोरी को लाऊंगा। वो क्या? अगर तुम उसके बाद फिर से मेरे पास आए तो मैं तुम दोनों मियां बीवी को सच में पत्थर का बना दूंगा। कालू कौवा डर जाता है और फिर भागता हुआ वहां से चला जाता है। घर आता है तो गोरी कवि रो रही थी। गोरी, तुम ठीक हो गई, अब क्यों रो रही हो? कालू, हमारी लालच से सब जाता रहा, हमारी लालच ने सब गवा दिया। सोने का घर भी गया और सोना भी गया, अब हमें फिर से इस टूटे फूटे घर में रहना होगा। ऐसे बातें करके कालू कौवा और गोरी कवि रोने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए।